पूरा जी चलो जी मेन्यू सब हो चुका है। ये पूरी बंगाली मार्केट है। अच्छा, दिवाली के आसपास यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है और यहाँ पकौड़े लेने के लिए एक एक घंटा लाइन में लगना पड़ता है। अच्छा, बड़ी मशरूम और पनीर वगैरह डाल डूल के तो हमारे पास ये सारा पूरा अच्छा खासा स्प्रेड है। हाँ, चटनी डाल दीजिए डाल दीजिए, चटनी तो खास है। सबसे अच्छे तो मुझे ये लगे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट पकौड़ा कौन सा है। मेरे को गाइस अभी हम लोग अपनी अगली जगह पे आए हैं और जो है विष्णु घाट पे ये हरिनिवास होटल के ऑपोजिट ही पकौड़े वाले ये बंगाली मार्केट। और बंगाली मार्केट में ये मेरे को बताया जा रहा है, पहले इनको निकलने देते हैं, जगह बिल्कुल नहीं है किसी के लिए भी। अभी कोरोना के चलते तब जाके भीड़ ये कम दिख रही है, वरना आप कह रहे हैं यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। पैर अभी भी मेरे को दिख रहा है, देखो पीछे वहाँ पे भी पूरा भरा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ से पकौड़े लेने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, चलो जी आइए पकौड़े का जायका लेते हैं। कौन कौन से पकौड़े? मिर्च का पकौड़ा है। अच्छा, बैंगन का पकौड़ा भी इनके पास बहुत अच्छा है। बिस का पकौड़ा, बिस का भैया, बिस वाला पकौड़ा है ये कह रहे हैं सिग्नल। इनका बिस का पकौड़ा बहुत अच्छा होता है। बे जो कमल ककड़ी होती है, कमल ककड़ी का। अच्छा, कमल ककड़ी का पकौड़ा। और इनका कटहल का पकौड़ा होता है वो इस समय नहीं है ना, कटहल नहीं आ रहा, कटहल का पकौड़ा इस समय नहीं है, बहुत अच्छा होता है। एक यहाँ से मिक्स वाला लेते हैं, फिर एक बार पास में आके आप देखिए जरा, थोड़ा थोड़ा ही लीजिए, एक 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 पीस। नाम नहीं है इनका कोई, नहीं मतलब इनका कोई चौक का नाम नहीं है ऐसे। विष्णु घाट पे पकौड़े चौक है, ये कौन सा चौक पड़े? विष्णु घाट चौक पे फेमस बड़ा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी बंगाली मार्केट है। अच्छा, दिवाली के आसपास यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है और यहाँ पकौड़े लेने के लिए एक एक घंटा लाइन में लगना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे आप इधर देखिए चटनी इनके, ये पत्थर के बर्तन में है या क्या है? ये मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन है। चटनी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सबकी अलग अलग चटनी है, एकदम अलग ही जायके हैं सबके। 160 रुपए किलो ये हमारे, इसको आप क्या बोलते हैं? बुर्का, कमल ककड़ी। कमल ककड़ी नहीं, आप क्या नाम बोले थे? कटल का पकोड़ा? नहीं नहीं नहीं, इसका नाम कमल ककड़ी का भी नाम बोले थे ना। अच्छा, बे बे और बिस कहते हैं, बिस बिस बोलते हैं, बिस। हाँ, चटनी डाल दीजिए डाल दीजिए, चटनी तो खास है। ये लीजिए, आ गए हमारे पकोड़े। ये देखिए जी, हमारा पूरा ऐसा लग रहा है बास्केट आ गई है पूरी पकौड़ियों की, और सारे इसके अंदर पकौड़े हैं। ये मिर्ची का पकौड़ा आ गया आपका, ये आपका, ये आपका गोभी का पकौड़ा आ गया, अलग अलग टाइप के पालक ककड़ी का पकौड़ा है, कमल ककड़ी का पकौड़ा है, पालक के पकौड़े हैं। आपका सबसे पसंदीदा कौन सा है, आपका फेवरेट कौन सा है? बस जो भी मिल जाता है वो सारे पकौड़े अच्छे लगते हैं। मेरे को पालक का पकौड़ा बड़ा पसंद लगता है, मैं पालक से शुरू करता हूँ। पत्ते में? हाँ, अब ये बान का पत्ता है, जो बान की आप खाट देखते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, ये उसका पत्ता है ये। अच्छा, जो चाट में मिलता है वो मालू का पत्ता मिलता है। अच्छा, एक होता है डाक का पत्ता, तो ये हर चीज आपको पत्ते में हर, और वो भी अलग अलग पत्ते, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पत्ते मिलेंगे। हम अपना स्टार्ट करते हैं अपने बढ़िया पसंदीदा पालक के पकौड़े से। आओ जी, लो जी, लो। बात है ना, तेल देखिए आप इसमें, इसमें तेल नहीं है, कढ़ाई के अंदर तो तेल था लेकिन सोडा वगैरह ऐसा नहीं डला हुआ है कि ऑयली हो जाए। हम लोगों ने एक एक पीस डलवाया सबका, पूरा भर गया मेरे हिसाब से। आप दो खाइए, बाकी पैक करवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपने जाइए होटल और जायका लेते रहिए। ये जो विष्णु घाट एरिया आप बता रहे हैं मेरे को, ये बंगाली मार्केट बता रहे हैं, यहाँ पे लोकल लोग ज़्यादा नहीं आते, जो टूरिस्ट वगैरह टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, ये जायका हमें बहुत पसंद आया। पर ये जो है मेरे हिसाब से इसको बेहतर ये रहेगा, इसको हम पैक करवा लें और इसको बाद में खाए, क्योंकि ये जो है बहुत हैवी डिश, फिर भी हैवी डिश भोजन है ये, पूरा भोजन है, पूरा भोजन है। इसको हम लोग ख़त्म करते हैं और आप लोगों से बात करते हैं कुछ और बढ़िया सा खाना खाते हुए। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट पकौड़ा कौन सा है। गाइस यहां से स्टार्ट करते हैं, ये है हमारे दही के कबाब हैं। ये डिफरेंट इसी है, मैं देख रहा हूं चीज ग्रेट हुआ है इसमें, चीज ग्रेट है और इसके अंदर हैंग कर्ड है। अच्छा, हैंग कर्ड। हाँ। है। अच्छा, और इधर हमारे, ये हमारा मोस्ट पॉपुलर डिश है अमेरिकन पनीर डिलाइट। हाँ, इसके अंदर मिक्स वेजीज, पनीर और डिफरेंट सॉसेज है, 5 सॉसेज। अच्छा, ये नॉर्थ इंडियन है, पनीर लहसुनी टिक्का मसाला, पनीर लहसुनी काफी अच्छी इसके साथ लहसुन की वो आ रही है, और इसको आप गार्लिक नान के साथ, गार्लिक नान और बटर नान है। हाँ, ये हमारा स्पेशल है सौते मशरूम, सौते मशरूम्स। हाँ, ये है लंदन डिलाइट डोसा, इसकी स्टफिंग इसके अंदर है, ये इसकी स्टफिंग और खोलो डोसा इसको? हाँ, खोलो खोलो। अच्छा चलो जी, इसके अंदर स्टफिंग है, और स्टफिंग क्या है इसकी? इसकी स्टफिंग अंदर पनीर है, मशरूम है, ओके पनीर है, मशरूम है, कैप्सिकम है, ओनियन है, चीज है, और 3 सॉसेज है। अच्छा, मतलब
इंडियन कॉन्टिनेंटल सब इसके अंदर आ गया। ये है तंदूरी मोमोज, तंदूरी मोमोज हो गया हमारे। हाँ ये आपकी जो है ये एक तरीके से आपने अपने मेन्यू की बेस्ट बेस्ट चीजें बता दी। और तंदूरी मोमोज हरिद्वार में मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, आप चाहे ट्राई करके आप ये खुद ही बता देंगे भैया, और दही के कबाब की गारंटी है मेरे यहाँ से पूरा जी। चलो जी मेन्यू सर्व हो चुका है, एक इसके मज़ेदार से फोटो खींच लेते हैं और उसके बाद इन सब चीज़ों को खाना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। बड़ी मशरूम और पनीर वगैरह डाल डूल के तो हमारे पास ये सारा पूरा अच्छा खासा स्प्रेड है। तो यहाँ पे अभी हम लोग हैं, शॉप कौन सी डोसा प्लाजा बोलेंगे इसको या क्या बोलेंगे इसको? डोसा प्लाजा पंजाबी तड़का बोलेंगे, डोसा प्लाजा पंजाबी तड़का बोलेंगे। स्टेशन के ठीक सामने, स्टेशन के ठीक सामने डोसा प्लाजा पंजाबी तड़का पे हम लोगों ने पूरे यहाँ सैंपल ले लिया इनके खाने का। दिस इज एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हरिद्वार फूड। स्प्रिंग अनियंस वगैरह डाल के ना काफ़ी स्टार्टर, बढ़िया स्टार्टर टाइप सा बना रखा है। दही के कबाब इसके अंदर हंकर डाला हुआ है, ऊपर चीज़ ग्रेट करा हुआ है, अंदर भी चीज़ है। हाँ ऐसा लग रहा है कि हम लोग तोसा बर्गर टाइप का खा रहे हैं। ये जितना मेरे को समझ आया अमेरिकन स्टाइल वाला, ऐसा लग रहा है डोसा के अंदर आप बर्गर खा रहे हैं। पनीर लहसुनी, ये पनीर लहसुनी आपका मेरे को लग रहा है ज़्यादा एकदम फिट होगा लोगों में। नहीं ये सारी चीज़ सारी हिट है आपको टोटल हिट चीज दिखा रहे हैं मतलब सारी एकदम सैंपल, हिट ऑफ द हिट का सैंपल। यहाँ पे हमारा गार्लिक नान आ गया, यहाँ पे पनीर लहसुनी आ गया। आपको कैसा लग रहा है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सबसे अच्छा तो मुझे ये लगे हैं क्या नाम, दही कबाब। ये सोयाबीन है अंदर? यस सोयाबीन है और वेजीज है, सोया मोमोस। चटनी टाइप, चटनी टाइप। एंड नाउ वी डिग इन द फाइनल थिंग। अरे डोसा ऐसे ही सब होते हैं? हाँ ऐसी, मतलब आप अभी तो आप शायद आपके थोड़ी जल्दी में तो थोड़ी सी प्रिपरेशन, मतलब जो गार्निशिंग की थोड़ी जरूरत हो गई, वरना इससे भी ज्यादा सुंदर सर्व होते हैं। साथ सब होते हैं कैसे? हाँ सामा के साथ सब होते हैं। अच्छा वो बेसिकली अब आपका जगह नहीं बची, जगह नहीं बची ऑब्वियसली, क्योंकि सैंपल कर रहे हैं हम लोग। का नाम है लंडन डिलाइट, लंडन डिलाइट। यहाँ पे अमरीका पहुँच गए, यहाँ पे लंडन पहुँच गए, सारा विलायत हम लोग इस टेबल पे ही लिया है। स्टफिंग बड़ी अब 6-5-6 मेरे को समझ नहीं आया, पर मेरे को अच्छा लगा जो भी गया वो आप लोग गिनते रहो कितनी बनाई कितनी नहीं बनाई, पर जो चीज़ गई अच्छी लगी मेरे को, ये अच्छा लगा। लंडन डिलाइट जब भी हिट स्टेशन के पास है, आ रहे हो जा रहे हो या हरिद्वार में रह रहे हो, खास कोई दिक्कत वाली नहीं। कुछ रह गया? दही के कबाब खाली, वो दही के कबाब भी खाली, मैंने सारे खाली। लंडन डिलाइट से हम लोगों ने एंड करा, एकदम बढ़िया रहा। बाकी खाती है इसमें गया 600 से डाली, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कौन सी डाली, बट जो मुँह में गया वो अच्छा लगा। उसके बाद आपने गिनना नहीं कितनी गई कितनी नहीं गई, आपको मुंह में गया आप प्रसन्न, लाइफ इज हैप्पी। बस इतने में करो करो करो, चलो चलो गाइस अब कैमरा बंद करते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ये वेट कर रहे हैं कि कब कैमरा बंद होगा और कब खाना स्टार्ट करेंगे। कैमरा जो करना सब ऐसे कैमरा खत्म होते ही इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ, तो वो चीज़ें होगी। आपसे मिलते हैं अगली जगह पे, बाय 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 बाय।